होली का पर्व हमारा जीवन रंगों से भर देता है, इजंट इट फ्रेंड्स। लेकिन समझो, इस होली आपका होली के रंगों से मन नहीं भरा है। इस होली आपने अपने मित्रों को रगड़ रगड़ के रंग नहीं लगाया है, आपने चुनरी वाली को भिगाया नहीं है ठीक से, तो फिर ये वीडियो आपके बहुत काम का है, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ रंग पंचमी के बारे में। एक और मौका आपके पास रंगों से खेलने का। जी हाँ, अगर आप राजस्थान में हैं या मध्य प्रदेश में हैं या भारत के किसी भी प्रांत में हैं और होली आप फिर से खेलना चाहते हैं, तो ज़रूर ज़रूर आप मध्य प्रदेश और राजस्थान पधारिए, आपका स्वागत है, और खेलिए रंग पंचमी। अलग अलग नामों से इसे बुलाया जाता है, श्री पंचमी, देव होली, देव पंचमी। अगर आप जानना चाहते हैं रंग पंचमी क्यों मनाया जाता है, ये कैसे शुरू हुआ और इसे कैसे मनाते हैं, इसमें क्या क्या व्यंजन हम बनाते हैं, तो आप मेरे वीडियो में, इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो फ्रेंड्स, रंग पंचमी आखिर क्यों मनाया जाता है, इसके लिए आपको मुझे पास्ट में ले जाना पड़ेगा। आओ फ्रेंड्स, मेरे साथ आ जाओ टाइम मशीन में, हम बैठेंगे टाइम मशीन में और चलते हैं भूतकाल में। देखिए फ्रेंड्स, श्री कृष्ण भगवान ने राधा जी को रंग लगाया था वृंदावन में, और इसीलिए रंग पंचमी मनाया जाता है, ये पहला कारण है। दूसरा कारण यह है कि आप सभी लोग जानते हैं कि कामदेव का वध कर दिया था हमारे भोले बाबा महादेव ने, क्योंकि वो ध्यान मग्न थे और ब्रह्मा जी ने भेजा था कामदेव को उनके ध्यान में विघ्न डालने, क्योंकि अगर ध्यान में विघ्न न डालते तो उनका विवाह पार्वती जी से नहीं होता। अगर पार्वती जी से विवाह नहीं होता तो कार्तिक पैदा नहीं होता, और कार्तिक पैदा नहीं होता तो वो उस दुष्ट राक्षस का वध नहीं करता जिसने बिल्कुल तहलका मचा रखा था। इसलिए कामदेव को भेजा गया था और शिव भगवान को बहुत क्रोध आ गया था, उन्हें अपना तीसरा नेत्र खोल दिया था और कामदेव का वध कर दिया था। सभी देवताओं में बहुत ही दुख का माहौल था कामदेव को लेकर, और वो सोच रहे थे कि कामदेव के बिना दुनिया का काम कैसे चलेगा। तब सभी देवताओं ने शिव भगवान से आग्रह किया और शिव भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया था इसी दिन, रंग पंचमी के दिन, कि वह कामदेव को फिर से जीवित कर देंगे। तो ये एक और रीज़न है। अगर आप व्यंजन की बात करें तो एक ही व्यंजन जरूर बनाइए इस दिन, और हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस व्यंजन के बिना बिल्कुल काम चलता ही नहीं है, वो है पूरन पोली। पूरन पोली क्या होता है, एक पराठे जैसा कुछ आइटम होता है, देखिए मुँह में पानी भी आ गया मेरा सुनते से, बहुत ही टेस्टी होता है, उसके अंदर गुड़ डाला जाता है। जी हाँ, बहुत टेस्टी होता है, इस दिन आप ज़रूर मनाइएगा। और अगर मैं आपको टाइम फ्रेम की बात करूं तो शुक्ल पक्ष की जो पंचमी आती है उसी दिन रंग पंचमी मनाया जाता है। रंग पंचमी होली से थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है मैं आपको बताता हूं। रंग पंचमी के दिन मध्य प्रदेश में पानी से खेला जाता है, राजस्थान में भी पानी से। होली के दिन ज़्यादातर लोग गुलाल से खेलते हैं, लेकिन रंग पंचमी के दिन पानी से खेला जाता है, पानी में रंग मिलाकर, ये स्पेशल होता है। अरे मध्य प्रदेश में तो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रोड के बीच में लगाई जाती हैं। मेरा बर्थ प्लेस मध्य प्रदेश है, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि उज्जैन में, इंदौर में कैसे रंग पंचमी मनाई जाती है। अरे लोग दीवाने हैं इस पर्व के, आप एक बार जाके तो देखो, रंग पंचमी के दिन आप बहुत ही एक्साइटेड फील करेंगे। आपको आनंद नहीं आ जाए तो मेरा नाम पलट दीजिएगा। बड़ी बड़ी कढ़ाई लगाते हैं, बड़ी साइज़ की कढ़ाई जिसमें 4-5 लोग डूब जाएं। अगर आप उज्जैन जा रहे हैं
उज्जैन की बात कर रहा हूँ तो बहादुरगंज, फुवारा चौक, इन एरियाज में संभल के जाइएगा। अगर आपको पानी से डर लगता है, होली के रंग से डर लगता है, अगर आप जा रहे हैं तो आपको उठाकर और उस कढ़ाई में डाल देते हैं सीधे, ठंडी कढ़ाई, रंगों से भरी कढ़ाई, पूरा रंग में आप डूब जाते हैं। बहुत अच्छा त्यौहार है रियली। और इस दिन जो है सूखा रंग एंड में आसमान में उड़ाया जाता है। सूखा रंग क्यों उड़ाया जाता है? जिससे तमोगुण और रजोगुण का नाश होता है और सतोगुण की वृद्धि होती है, इसलिए सूखा रंग उड़ाया जाता है। फ्रेंड्स, देवताओं के साथ होली खेली जाती है। फ्रेंड्स, भगवानों को गुलाल अर्पित किया जाता है, लोग गले मिलते हैं एक दूसरे से, लोग एक दूसरे के यहाँ पूरन पोली भेजते हैं, मिठाइयाँ भेजते हैं, गुजिया बनती है मध्य प्रदेश में। बहुत ही अच्छा त्यौहार है। तो अगर होली से आपका मन नहीं भरा है तो रंग पंचमी है आपके लिए। फ्रेंड्स, मैंने ये सारी जानकारी ढूंढकर आपके सामने रखी है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग फेस्टिवल रंग पंचमी। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड से शेयर करिएगा। बहुत सारे लोग होंगे हमारे देश में जिनको रंग पंचमी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और शायद उन्हें रंग पंचमी के बारे में पता हो लेकिन उन्हें ठीक ठीक इसका इतिहास पता नहीं है। तो इसलिए आप मेरे वीडियो के द्वारा उनको इतिहास भी बताइए रंग पंचमी का, और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा जिससे मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसे ही किसी त्यौहार के बारे में बात करते हुए आपसे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।